ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। अब हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करते हैं। पंडित जी, पंकजा मुंडे जी जो हैं, जो बहुत आरोपों में घेरी हुई हैं, विरोधी बहुत बड़ी आक्रामक हुए हैं, उनके बारे में क्या कहती है उनकी ग्रह दशा, क्या कहती है उनकी कुंडली, आने वाले दिन उनके लिए कैसे रहेंगे? जी, विरोधी तो ज़्यादा क्या, विरोधी तो हैं ही, अपना काम कर रहे हैं। उनका भाई धनंजय मुंडे ही आप देख रहे हैं कि बहुत ही गर्म हुए हुए हैं, पर उनकी कुंडली अपनी जगह के ऊपर है। उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि जो आरोप उनके ऊपर चल रहे हैं, हो सकता है उसके घेरे में वो थोड़ी सी और आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं पंकजा मुंडे के ऊपर 19 अक्टूबर तक ग्रह दशा अच्छी नहीं है, इसलिए कोई ना कोई समस्या उनके ऊपर आ सकती है। मैं कुंडली के माध्यम से उनको अनुरोध करूँगा कि उनको एक कष्ट निवारण पूजा करवा लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कष्ट इस वक्त उनके ऊपर आया हुआ है वो टल सकता है। बट डेफिनेटली 2 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी ये जो महीना होगा 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, उनको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी बात अपने तक ही रखनी चाहिए, और अगर कोई गलती हुई है तो उसका पब्लिक में आकर स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर आँच ना आए। मगर 2 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक डेफिनेटली एक महीना 40 दिन के करीब करीब उनके ऊपर अच्छे नहीं है सुहास जी। 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक उनको बहुत शांति से चलना पड़ेगा, ये ऐसी एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अब हम चलते हैं सुषमा स्वराज की ओर, क्योंकि ललित मोदी प्रकरण से सुषमा स्वराज भी बहुत आरोपों के घेरे में है। क्या लगता है आपको, आने वाले दिन उनके लिए कैसे रहेंगे? देखिए, जब सुषमा जी की बात करते हैं तो एक सभ्य महिला, संस्कृति और सभ्यता की देवी मानी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता, उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए पूरा विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा मैं, जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली ललित मोदी के चक्कर में सुषमा जी जो है वो दिन ब दिन फंसती जाएंगी। वो कहती हैं कि मैंने मानवता के ऊपर उनकी पत्नी का सहयोग किया, मगर कहीं ना कहीं 20 दिसंबर तक सुषमा स्वराज जो हैं उनको एक बार इस्तीफा देना पड़ सकता है। मैंने अपने ही चैनल के माध्यम से ललित मोदी 2018 फरवरी मार्च से पहले इंडिया लाए जाएंगे ये बोला हुआ है, इसलिए ललित मोदी के आने तक की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ललित मोदी के चक्कर में सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे दोनों फंसते हुए नजर आएंगे आपको सुहास जी, ये बात बड़ी बड़ी स्पष्ट कुंडली में दिखाई देती है। इसका मतलब है कि सुषमा स्वराज को भी इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है। बिल्कुल। अब इसके बाद पंडित जी, अपने पास समय कम है तो हम थोड़े से जाएंगे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके उतार चढ़ाव कैसे रहेंगे, और सबसे बड़ी हमारे लिए, दर्शकों के लिए जो जानने की बात है कि आपने पहले भी बोला था कि सोने में घट होगी, सोने की कीमत घट जाएगी, और वैसे हुआ है, क्योंकि ये सच्ची भविष्यवाणी पर आधारित, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सच्ची भविष्यवाणी पर आधारित ये कार्यक्रम है। सोने के भाव घटे हैं, चांदी के भाव घटे हैं। पंडित जी, आगे आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी, सोना और चांदी और स्टॉक एक्सचेंज का माहौल कैसा रहेगा? देखिए, जब हम गुरु को अस्त देखते हैं, शुक्र को अस्त देखते हैं, शनि को मार्गी देखते हैं, तो मैंने आपको याद होगा कि हर शो में, राजमंत्र के हर शो में मैं एक बात कहता हूँ कि भारत जो है वो काल सर्प दोष से बाहर आ चुका है। आपने देखा होगा डाउ जोन्स इन अमेरिका गिरा, आपने देखा होगा चाइना में इस वक्त आग लगी हुई है, अर्थशास्त्र बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, ग्रीस की समस्या, मगर हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टस का मस नहीं हुआ। कुछ अगले एक हफ्ते की अगर बात करें तो इस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 28,200 के करीब करीब बंद हुआ है, 28,500 का ऊपर का स्तर है उसका, 28,550 तक का, मगर आई एम नॉट वेरी बुलिश, तो ये जा सकता है नीचे 27,600 के करीब करीब जा सकता है। अब हम निफ्टी एनएससी की बात करें तो 8,650 के ऊपर निफ्टी जाता हुआ नहीं दिखाई देता, 8,475 तक नीचे आ सकता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, इसलिए सोच समझ कर स्क्रिप्ट वाइज आप इन्वेस्टमेंट करें। अब आपने बोला गोल्ड की बात, गोल्ड लगातार हम 28,000 से प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं कि गोल्ड घटेगा, गोल्ड इस वक्त भी जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, 24,600 के करीब करीब भारत में गोल्ड चल रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,079 रुपीज़ पर आउंस डॉलर पर आउंस चल रहा है, ये घटेगा,
22,500 तक यहाँ आ सकता है, मगर इस हफ्ते अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। 24,850 ऊपर का स्तर, 24,500 24,400 नीचे का स्तर। चांदी में भी इसी तरह की घटबट नजर आएगी, 33,800 के करीब करीब चांदी चल रही है, 34,600 जा सकती है ऊपर का स्तर, और नीचे का स्तर 32,800 के करीब करीब आ सकता है। आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल की बात हम करते हैं, क्रूड ऑयल जो इस वक्त चल रहा है 3,000 रुपये से नीचे आ चुका है पर बैरल, 3,000 रुपये इंडियाज में नीचे आ चुका है, ये 2,870 के करीब करीब, उससे नीचे नहीं जाएगा। सो यू कैन बाय क्रूड एट 2,870 एंड कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 2,850, ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, 3,250 ऊपर का स्तर है, और प्रॉपर्टी प्राइजेज में करेक्शन आने के बहुत अच्छे योग हैं। इस सीजन में आप घर खरीदना चाहते हैं तो वेट फॉर अनदर 1 or 2 months। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। आज समय की वजह से आज हम यही रुकते हैं, देखते रहिए राजमंत्र, और फिर मिलेंगे अगले शनिवार 8 बजे राजमंत्र में अपने सच्चे भविष्यवाणी के ये शो में।